ईद कुर्बान करीब आते ही जानवरों की खरीद फरोख्त उरूज पर पहुंच चुकी है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो जानवरों का चारा उनके दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। जो चारे की कीमत पिछले साल 10 रुपए किलो थी, तो वो बढ़ के 20 से 25 रुपए किलो हो चुकी है। इस वक्त भी एक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं जो चारा लेने के लिए आए हैं। हर चीज़ ही पिछले साल से तकरीबन डबल ही हो गई है। हर चार जो है मिक्स दाना है, घास वगैरह हर चीज़ है, डबल रेट हो गया है। तकरीबन 10-15 किलो चाहिए होता है, पिछले साल जो रेट था 10-12 रुपये किलो, इस दफ़ा है वो 20-25 रुपए किलो। उसमें भी क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क है, पिछले साल शायद क्वालिटी भी बेहतर थी, इस साल वो क्वालिटी भी नहीं है। अच्छा, एक भाई चारे के दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। पेट्रोल महंगा हो रहा है, फीस हो रही है, गांव से आ रहा है लेके आ रहा है, वो महंगा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारी ग्राहक और खरीदार दोनों से बात हुई, तो इनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टेशन के जो अखराजात हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। गांव से जो है वो चारे के ट्रक आते हैं, तो इस वजह से इनके अखराजात बढ़ने के बाद कीमतों में इजाफा हुआ है। जबकि जो जानवरों के मालकान हैं उनका कहना है कि दिन में कई कई किलो चारा खरीदना पड़ता है, तो इसकी वजह से उनके अखराजात में भी इजाफा हो रहा है।